बाप रे बाप, ऑनलाइन प्राइस देखिए कितने ज़्यादा महंगे प्राइस है। 119, 200 यार, 400, 500, पता नहीं क्या क्या प्राइस है। हर एक चीज़ के अलग अलग प्राइस है। हमने यहाँ पे घर पे बनाया, कैसे बनाए चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस मोटर को हम यहाँ पे ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका कुछ बनाया है, अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कबाड़ से कुछ बना के आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए पीवीसी पाइप बिल्कुल कबाड़ है, आपके पास ही पड़ा होगा, आप उसका यूज़ कर सकते हो। आपके पास एक फिटी होगी गोल, आपको ऐसे गोल घेरे बना ले, बीच में इसमें होल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फिर भी होल करने हैं, फिर भी होल करने हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे 12 बना लेंगे, यानी कि 12 सर्कल हम यहाँ पे बना लेंगे। तो अब हम इनको काट लेंगे कैंची की मदद से। यहाँ पर आपके पास कटर हो, हैक्सो ब्लेड हो, उससे भी काट सकते हो। तो यार यहाँ पे हमने सभी को काट दिया है और देखें यहाँ पे कुछ में छेद है, कुछ में छेद नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इनमें भी छेद करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखें जो यहाँ पे ये लेयर है एक, इसके ऊपर हमें इसके साफ्ट के हिसाब से छेद करना है। अगर आपने छेद ज़्यादा लूज रख दिया तो ये नीचे गिर जाएंगे, आपको थोड़ा छेद इसी के साइज का रखना है, टाइट रखना है छेद यानी कि। तो अब इसके बीच में हम यहाँ पे होल कर लेंगे, आपको इन सभी के बीच में भी होल कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास एक ड्रिल मशीन हो आप उससे कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पे कटर है और मैं इससे कर लूँगा। आप कैंची वगैरह किसी चीज़ से भी कर सकते हो। देखिए बिल्कुल टाइट ही आ रहा है, जैसे कि हम इसमें हल्की चोट मारेंगे ना ऊपर की तरफ से तो इसमें टाइट अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सभी में होल कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे हमने यहाँ पे सभी में होल कर लिए हैं कुछ इस टाइप से, काफ़ी ज़्यादा मस्त यहाँ पे लग रहे हैं। तो देखिए गाइस, अब जो ये लेयर है इनको हम यहाँ पे ऐसे चिपकाएंगे, लेकिन चिपकाने से पहले आपको इसके ऊपर सैंड पेपर मार लेना है, जैसे कि यहाँ पे मजबूती से चिपक जाए, वरना यहाँ पे मजबूती से नहीं चिपक पाएंगे। तो देखिए सैंड पेपर मार लिया, देखिए जो ये लेयर है ना आपस में इस टाइप से चिपकनी चाहिए, जो ये होल है ना एकदम बिल्कुल सीध में होने चाहिए, होल इधर उधर होगी तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको चिपका लिया हूँ और इसको प्लाई की मदद से ऊपर से भींच देंगे, जिससे कि फ्रेंड यहाँ पे मजबूती से चिपक जाएंगे आपस में, वरना यहाँ पे बीच में इनमें गैप रह जाता है। तो यहाँ पे मैं इन सभी को चिपका लेता हूँ और फिर मैं आपको खाता हूँ कि आगे क्या करना है। तो अब इनको भी चिपका देंगे आपस में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया और जो होल है बिल्कुल सीध में बिल्कुल इक्वल है, इसलिए मैंने कहा था होल इधर उधर हो गया तो यहाँ पे आपका काम नहीं करने वाला। तो भाई अब हम यहाँ पे इसको ऐसे ठोकना है इसके ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैंने होल इसलिए नेड़े रखे हैं इसके, आप होल को बड़ा कर दोगे तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है और ये थोड़ा इधर उधर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पत्ती है ऊँची नीचे हो रही है। तो इसको हम यहाँ पे घिस देंगे। अब इसके बैटरी के वायर मैंने यहाँ पे जोड़ लिए और अब देखिए यहाँ पे क्या मस्त तरीके से घूम रहा है। आपको एक स्टैंड पेपर लेना है, इसको गोल गोल आपको करते चले जाना है, जिससे कि देखिए यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे कितनी अच्छी इसमें फिनिशिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कैंची वगैरह किसी चीज़ से भी कर सकते हो, आपके पास जो कट रहे हो आप उससे भी कर सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टैंड पेपर को उल्टा भी फेरना है इस पर, जिससे कि फ्रेंड यहाँ पे इसमें फिनिशिंग आ जाए। देखिए यहाँ पे स्टैंड पेपर उल्टा फेरा और फिनिशिंग आ गई, और देखिए यहाँ पे क्या मस्त ये लग रहा है, बिल्कुल ऐसा जैसा मार्केट से लेके आते सेम वैसा ही लग रहा है ये। आगे से मैंने होल इसीलिए बड़ा किया था इसका, जिससे कि हमें यहाँ पे बड़ा बीट भी इसमें लगा सके। तो यहाँ पे मैंने दो मार्क कर लिया, इसमें होल कर देंगे दोनों में ही। सो गाइस, अब यहाँ पे इन दोनों में होल हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसके लिए पेच भी बनाएंगे। देखिए पहले आप इसको देख सकते हो क्या मस्त इसकी लुकिंग आ रही है। अगर जो ये पेच है इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं तो यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस पेच को हम यहाँ पे काट लेंगे इसकी किस साइज़ के। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लगा दिया और यहाँ पे मार्क लगा लेंगे दोनों में, दोनों मार्क लगा लें आपको ऊपर लेके भी और नीचे लेके भी। मैं देखिए पिछली वीडियो में यहाँ पे आपको कनेक्टर बना के दिखाया था, आपने इसकी वीडियो नहीं देखी चैनल पे जाके देख सकते हो, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए क्या मस्त तरीके से जैसे ब्लेड घुमा देती है, इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर कस देंगे और फिर इसको चलाएंगे, इसी की मदद से हम यहाँ पे जो ये बोल्ट है इसको काटने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मस्त तरीके से कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को हमने काट दिया और अब हमें क्या करना है, जो ये पेंच है ना पेंच को हम वो बनाएंगे, जैसे कि हम इसको पेंच कस के जरिए इसको खोल भी सकते हैं और फेड़ भी सकते हैं, तो वो वाला कट भी हमें इसमें बनाना पड़ेगा वरना काम नहीं करेगा। तो अब इसके हम पहले प्लान कर लेंगे, ये दोनों तरफ से प्लान कर लिया और इसमें बीच में कट लगा देंगे। यहाँ पे कट भी हो चुका है रेडी, तो यहाँ पे दोनों में कट हमने मार लिया कुछ इस टाइप से, अब आपको दिख भी रहे होंगे। अब इसको आप आसानी से खोल फेड़ भी सकते हो, तो यहाँ पे क्या मस्त लग रहा है बिल्कुल जैसा मार्केट से लेके आते हैं। तो अब इन दोनों को हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे, ईजिली टाइट हो जाते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली और आनी भी नहीं चाहिए, जैसे कि मैं आपको बारी बारी से सभी कुछ समझाते आ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या मस्त इसकी लुकिंग आ रही है, बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है जैसा मार्केट से लेके आती है बिल्कुल सेम। आपको मैंने शुरुआत में प्राइस दिखाया था कितना महंगा था और ये बिल्कुल आपने फ्री में बना लिया घर में पीवीसी पाइप की मदद से। या तो आप 200 से 300 रुपये खर्च कर लीजिए या फिर आप इतनी मेहनत कर लीजिए। आपको वीडियो में अच्छी लगी हो ना, नॉलेजबल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पे इसके आगे की तरफ
बीट लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने बीट लगा दिया और देखिए यहाँ पे मेरे पास बीट नहीं था, इसलिए मैंने एक कील को लिया इसके अंदर की तरफ, इसको लगा दिया आगे की तरफ। और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम मोटर के ऊपर फिक्स कर देंगे। इस पहले हम यहाँ पे इसको पेंच को खोल लेते हैं बार की तरफ, फिट टाइट कर दे। देखिए बिल्कुल सीधा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल इक्वल। तो यहाँ पे आप इसको चलाएंगे और इसमें होल करके देखते हैं किसी चीज़ में। तो देखिए यहाँ पे होल हो रहा है और क्या मस्त तरीके से इसने होल भी कर दिया। देखिए यहाँ पे इसमें होल हो चुका है और फिर हम एक और होल करके आपको दिखा देते हैं इसकी की साइड में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें भी होल कर लिया है। और देखिए फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे मिलो किसी लगी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है ना तो आप इस मोटर का नाम इसमें लिख के बताना कि ये कौन सा मोटर है जो मैंने इसमें लगाया। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।